नमस्कार दोस्तों, रेनो ट्राइबर 19 तारीख को ग्लोबल अनवील कर दी गई है और ये एक छोटी एमपीवी है और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 3.99 मीटर है, पूरा 4 मीटर भी नहीं है। और ये अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो ये आपको डैटसन गो प्लस जितना ही साइज़ इसका मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंजन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके फीचर्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 6 लाख से लेकर 9 लाख तक बताया जा रहा है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन मिलने वाला है, वो है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये इंजन आपको 72 PS की पावर देगा और 96 Nm की टॉर्क देगा 3500 RPM पे। दोस्तों, अगर हम इस MPV के बारे में बात करें तो ये MPV रेनो क्विड के मॉडल के ऊपर ही बनी है, रेनो क्विड को ही बड़ा किया गया है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो रेनो क्विड और नॉल्ट कैप्चर, ये दोनों गाड़ियों की झलक इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे, डुअल एयरबैग्स, और इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाएगी। टच स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी आपको कार चार्जर्स वगैरह ऐसे ऑप्शन तो मिलेंगे स्टैंडर्ड। MID भी आपको LED स्क्रीन मिलेगी। बाकी स्टोरेज स्पेसिस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डैशबोर्ड में मिल जाएगी आपको। और हैंडरेस्ट के पास भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों, टायर साइज़ भी इसके स्टैंडर्ड टायर साइज़ हैं 15 इंचेस के। अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स भी नॉर्मल आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, उनमें आपको लेदर ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग सिटी में काम करते हैं या फिर सिटी में उनका बिजनेस है और वो अपना सामान थोड़ा सा लाने ले जाने के लिए कोई गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं या फिर पर्सनल व्हीकल ही यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और इसे आप एज ए अपना काम चलाने के लिए बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बीच वाली सीट है वो भी 60-40 फोल्ड हो जाती है, उसके बाद इसे आप जैसे मर्जी स्पेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। और ये काफ़ी बजट भी इसका कम है, बजट में भी काफ़ी आपके बैठ जाएगी ये गाड़ी। अगर इसकी लास्ट की सीट वो भी अगर खोल दी जाए तो इसमें आपको 89 लीटर का सिर्फ बूट स्पेस मिलता है। अगर उसे भी फोल्ड किया जाए तब आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तब आपको टोटल 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है अगर आप 5 सीट्स यूज़ करते हैं तो। दोस्तों, ये सब था अबाउट रेनॉल्ट ट्राइबर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का वॉक अराउंड अभी मैं बना नहीं पाया, वॉक अराउंड भी जल्दी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।